अगर आपका बच्चा भी सब्जी से दूर भागता है, सब्जियाँ उसको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो ऐसी ही रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। प्रणाम, सविता की रसोई में आपका स्वागत है। ये कुछ इस तरीके का नाश्ता है कि इसमें आप बच्चों को जितनी भी सब्जी खिलाना चाहें उसमें भरपूर मात्रा में सब्जी डाल सकती हैं। और ये नाश्ता मैंने आज सूजी से बनाया है। इसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी ली है, महीन मोटी, आप कोई सी भी सूजी ले सकते जो आपके पास अवेलेबल हो। अब इस सूजी को हम एक बड़े से बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी को भरकर मैंने दही लिया है। इन दोनों का रेशियो बराबर रखा है मैंने, यानी कि इन दोनों का अनुपात बराबर रहना चाहिए। और इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद ही इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और इसमें पानी भी सेम क्वांटिटी में जाएगा, यानी कि एक कटोरी पानी जाएगा, यानी कि एक कटोरी सूजी, एक कटोरी दही और एक ही कटोरी पानी। अब इसको फिर से एक बार अच्छे से मिला लीजिए। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद आधा घंटे के लिए इसको ढककर रख दीजिए, जिससे ये अच्छे से फूल जाए। सूजी थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करती है, जिससे क्या होगा कि इसमें पानी का अनुपात और भी कम हो जाएगा। अब मैंने एक गाजर ली है, जिसको अच्छे से धोकर और छील लिया है। अब मैं इसको काट रही हूँ चॉपर में। आप इसको महीन महीन चाकू से बारीक काट भी सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें सब्जियाँ जितनी महीन रहेंगी उतनी अच्छी लगेंगी खाने में। इसको छोटा छोटा काट लेना है आपको। मैं यहाँ पे चॉपर से चॉप कर रही हूँ। आप देखिए कितनी महीन हो गई हैं सब्जियाँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जियों को मैंने कितना छोटा छोटा चॉप कर लिया है। इसको हम दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। और इसके साथ ही मैंने एक शिमला मिर्च ली है, जिसको मैंने धोकर अच्छे से साफ कर लिया, और इसको काट कर चॉपर में डाल देंगे हम। आप शिमला मिर्च देख सकते हैं कितनी बारीक बारीक कट गई है। इतने छोटे छोटे पीसेस रखने हैं आपको सारी सब्जियों के। इसको भी मैंने एक बोल में निकाल लिया है। और इसके साथ ही ले रही हूँ मैं एक टमाटर, जिसका मैं ऊपर का टॉप हटा दे रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। और अब आप देख सकते हैं टमाटर के भी कितने छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं। इसको भी दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब मैंने एक प्याज लिया है, इसको भी छोटे छोटे काट कर इसमें डाल देंगे। और जितना मैंने काटा है इसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। यानी मैंने बताया ना आपको, जितनी छोटी सब्जियाँ रहेंगी उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट हमारा नाश्ता बनने वाला है आज। और आप ये देख सकते हैं कितना छोटा पीस हो गया है इसमें। इसी तरीके से आपको सारी सब्जियों के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो सब्जियां बताई हैं आप वही सब्जियां डालें। आपके पास जो सब्जियां अवेलेबल हैं, आप अपने बच्चे को जो सब्जियां खिलाना चाहते हैं वो सब्जियां आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। अब ये देखिए आधा घंटा बाद बैटर हमारा थोड़ा फूल गया है, और इसने पानी भी थोड़ा एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जो हमने सब्जियाँ काटी थी इसमें ये सब्जियाँ डाल देंगे। टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज
आप देख सकते हैं बोल हमारा कितना कलरफुल लग रहा है, यानी कि सब्जी हमारी कितनी कलरफुल लग रही है। और जब ये इतनी हेल्दी है तो क्यों ना अपने बच्चों के लिए ये रेसिपी ट्राई की जाए। अब इन सारी सब्जियों को बैटर में अच्छे से मिला लीजिए। ये देखिए बैटर हमारा कुछ इस तरीके का लग रहा है, देखिए कितनी सारी सब्जियां हैं इसमें। चलिए अब एक तड़का लगा लेते हैं। सबसे पहले मैंने गैस को जला लिया, उस पर एक तड़का वाला अपना चमचा जो होता है ना उसको रख दिया है, उसमें कुकिंग ऑयल डाल लेना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, यानी कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है, और इसमें अब हम राई के दाने डाल देंगे, जिसे कि सरसों के दाने भी कहा जाता है, और इसके साथ ही हम एक स्टैम्प करी पत्ता भी डाल देंगे। करी पत्ता अच्छे से भुन गया है, इसमें एक हरी मिर्च डाली है मैंने, और इसमें चने की दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, और इसके साथ ही 1 चम्मच धुली हुई उड़द दाल। आपको छिलके वाली उड़द दाल बिल्कुल नहीं डालनी है, इसी तरीके से धुली हुई दाल डालनी है जिस तरह से मैंने इसमें डाली हुई है। और ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन रही हैं, और ये देखिए तड़का कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना कलरफुल है। और करी पत्ता तो आप जानते होंगे इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। और ये दाल में देखिए अच्छा सा कलर आ गया, इसके साथ ही मैं 1 चुटकी इसमें हींग डाल दूंगी। और ये देखिए दाल को जलाना बिल्कुल भी नहीं, इसी तरीके से कलर आना चाहिए। और अब इस तड़के को इस बैटर में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लीजिए, जिससे इस तड़के की खुशबू पूरे बैटर में आ सके। और अब चलते हैं कुछ मसालों की तरफ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच लाल मिर्च ली है, और नमक स्वादानुसार या फिर 1/2 चम्मच, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा लिया है। जैसा कि आपने देखा मैंने 1/4 चम्मच से भी कम लिया है, यानी कि 2 पिंच के करीब आप समझ लीजिए। और इसको भी अच्छे से मिला देना होगा। बेकिंग सोडा से क्या होगा, ये जो बैटर है हमारा अच्छे से फूल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो का 1/2 पैकेट आप इसमें डाल दीजिए। और इसमें थोड़ा सा मिठास लाने के लिए, थोड़ा सा होता है ना तीखा और मीठा अच्छा लगता है खाने में, इसलिए मैंने यहाँ पर किशमिश का यूज़ किया है। आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं, मुझे इसमें किशमिश का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें किशमिश डाली हुई है। और अब चलते हैं अपने गैस की तरफ। मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने घी डाल दिया है 1 चम्मच, और इस घी को पैन के चारों तरफ फैला लीजिए तली में, जिससे क्या होगा कि हमारा बैटर जो है इसमें चिपकेगा नहीं। और एक बात का इसमें ख़ास ख्याल रखना है कि आपको इस रेसिपी के लिए नॉन स्टिक पैन का ही यूज़ करना होगा, ये जो हमारा सूजी का हेल्दी नाश्ता है उसमें चिपकेगा नहीं। अब इस सारे बैटर को एक ही बार में पैन में डाल देना है, और इसको अच्छे से फैला लीजिए चम्मच की सहायता से, अच्छे से फैला लीजिए चारों तरफ, इवनली फैला लीजिए। और इसको मैंने अच्छे से फैला लिया है, और अब मैं इसको ढककर रख दूंगी 10 मिनट के लिए, और गैस की फ्लेम को कम ही रखना है। और अब 10 मिनट हो गया, आइए देख लेते हैं अपनी रेसिपी को। और ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको पलटने से पहले 2 मिनट तक ऐसे ही गैस पर धीमी आंच पर पका लेना है, जिससे इसकी तली में थोड़ा सा, यानी कि इसके नीचे जो है ना उसमें कलर आ जाएगा, यानी चित्तीदार जैसे पराठा होता है ना, ऐसे ही इसमें भी थोड़ा सा कलर आ जाएगा, तो देखने में भी और अच्छा लगेगा, और इसके साथ ही साथ ये थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं सूजी का नाश्ता जो है अब पैन से बिल्कुल भी स्टिक नहीं रहा है, इसने पैन की तली को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसके साथ ही हम इसको पलट लेते हैं। ये थोड़ा सा हैवी है तो इसको थोड़ा सा सावधानी से पलटिएगा, और इसका पलटने का दूसरा तरीका मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। और अब आप देख सकते हैं इसमें कितना सुंदर कलर आया है कि देखते ही बन रहा, बहुत ही सुंदर कलर आ रहा है, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। और इसके दूसरी तरफ भी वही प्रोसेस अपनाना है जो हमने पहले में किया था, कि इसको 10 मिनट पहले हम ढककर कुक करेंगे, उसके बाद 2 मिनट हम खोल कर इसको पकाएंगे, जिससे कि इसमें कलर अच्छा आएगा। और अब ये देखिए 10 मिनट के साथ 2 मिनट भी हो गया है साथ ही साथ। और अब इसको दूसरा तरीका जो मैंने बताया आपको, मैं आगे वाली वीडियो में बताऊँगी। और ये दूसरा तरीका, आप कोई प्लेट लीजिए, उसको ऊपर ढक दीजिए उल्टा करके, और इसको अपना जो पैन है उसी के ऊपर आप पलट लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो
सूजी का नाश्ता है वो इसी में आ जाएगा। और देखिए सुंदर कितना कलर आया है, बहुत सुंदर लग रहा है ये, और खाने में तो उतना ही टेस्टी होगा जितना कि देखने में सुंदर है। एक बार पास से दिखा देती हूँ मैं आपको सूजी के इस नाश्ते को, जो कि बहुत ही यम्मी है खाने में। इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप, कितना मोटा बना है ये, और खाने में बहुत टेस्टी है। इसको मैं पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से काट रही हूँ, आप नाइफ़ से भी काट सकते हैं इसको, इससे थोड़ा इजीली कट जाता है, इसलिए मैं इसकी हेल्प ले रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें पिज़्ज़ा का शेप दे रही हूँ, आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं इसमें। एक बार मैं इसको पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अगर आपको मेरी ये सूजी का नाश्ता रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।